जूते में घुसा हुआ कांटा। अरे 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 वेरी गुड। शालोम टू यू ऑल, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज हम आए हैं अपने घर वाली पास वाली नहीं, अपने घर के पास वाली जगह पे, जो कि बहुत मस्त मस्त दिखती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस जगह का नाम है चंद्रशेखर फार्म और इसे भारत यात्रा केंद्र भी कहते हैं। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं और जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो ये इसी नाम से आएगा, तो कंफ्यूज ना हो जाना। आप यहाँ पे देखेंगे नेचर और छोटे मोटे पहाड़। सो लेट्स गो। यहाँ पे आना बहुत ही ज्यादा इजी है। ये सोना रोड पे पड़ता है गुड़गांव में, आप यहाँ पे कैसे भी आ सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ पे ऑटो वगैरह तो नहीं आते हैं बिल्कुल भी, आप यहाँ पे अपनी बाइक से आ सकते हो। हाँ, पर सीएनजी ऑटो बुक करा के भी आ सकते हैं। हाँ, तो ज्यादा इजी रहेगा अगर आप बुक करवा के आओगे तो ना। और स्कूटी बाइक से आना तो और भी ज्यादा आसान है। स्कूटी बाइक से आना और ज्यादा इजी है। ये ये नोड़ी का घर है? नहीं, ये स्मर्फ का घर है। क्या सा काटा था अभी। हम यहाँ से जा रहे थे, यहाँ पे रास्ता थोड़ा अच्छा नहीं है, पत्ते वगैरह और पत्थर वगैरह पड़े हैं बहुत सारे, तो एक कांटा मेरे जूते में चला गया और वो निकल नहीं रहा है। मैंने अपने शूज के सारे लेस भी निकाल दी। ये अभी तक निकला नहीं है, पर इसको मैं घर जाकर देखूंगी कैसा प्रॉब्लम कहाँ है। A few moments later. Very good, wow. मेरे जूतों में से मैंने ही निकाला, चंद्र ने लेस डाली थी। तो अपने जूतों में से मैंने कांटा खुद निकाला है और ये लेस नानू डाल रही है, क्योंकि नानू ने ही मेरे जूतों में से ये फीते निकलवाए थे, तो अब ये डालेंगे इन्हें। तो हम यहाँ आए थे चंद्रशेखर फार्म दिखाने के लिए लोगों को, इसकी खूबसूरती दिखाने के लिए। पर चंद्रशेखर फार्म ने हमको क्या दिखाया? जूते में घुसा हुआ कांटा। तो एक कांटे वाले ब्रेक के बाद हम चलते हैं आगे, अपने व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, ये भूलकर कि जब भी हम व्लॉग बनाने की कोशिश करते हैं तो सारी कायनात हमारे व्लॉग को खराब करने की कोशिश करती है। सच्ची में और घूमो नेचर में और घूमो कांटों पेड़ों में। तो ये है उनका मेन फार्म जहाँ पे वो रहते थे। उन लोगों के लिए कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे आने में इंटरेस्टेड है, तो यहाँ पे आने के लिए किसी भी तरीके की मनाही नहीं है। कैमरा ला सकते हैं, खेलने के लिए कोई भी अपना गेम ला सकते हैं, खाने के लिए भी आप कुछ भी लेके आ सकते हैं। हाँ, अपना खाना ला सकते हैं, आप हमें बैठ के पिकनिक कर सकते हैं, ऐसी कोई पाबंदियाँ वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप जो चाहे वो कर सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे बहुत से लोग जॉगिंग करते हैं जैसे हम भी करते थे,
और बहुत से लोग अपनी शूटिंग भी करते हैं जैसे आज हम कर रहे हैं। और हाँ फोटो शूट तो यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है। क्या अरे 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 तुम वही हो ना जो पिछले बार मिले थे। हट जा भाई। भाई नहीं अभी 6 महीने पहले मैंने रैबिट के इंजेक्शन लगवाए। चुप 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 चुप। हाउ बस चलो कंटिन्यू। क्या है? क्या है अंकल जी भी क्यूट ब्लैक वाला। अरे कैसे दौड़ के गए टिंगे टिंगे चिड़िया को पानी पिलाने के लिए। ये रहा ना चिड़िया को पानी पिलाने के लिए खाली स्विमिंग पूल है। जब पिछली गर्मियों में हम लोग है ना यहाँ पे साइकिलिंग के लिए कंटिन्यूसली आ रहे थे तो हमें सांप भी यहाँ पे कंटिन्यूसली दिख रहे थे 3-4 बार। वो सांप इतने मोटे मोटे सांप मोटे मोटे सांप। ये अंकल जी यहीं पे रहते हैं। ये यहाँ पे इन लोगों की सेवा टहल करते रहते हैं। हाँ इस जगह का ख्याल रखते। मोर 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 एंड मोर। आराम से बोल चला जाएगा। मोर तो भरपूर मात्रा में है। मोर ही मोर है और यहाँ सांप बहुत सारे हैं इसलिए सांप ही सांप है। इसलिए यहाँ पे मोर ज्यादा भी हैं। ओके भाई मोर बाय बाय। यहाँ पे ऐसे वाले घर भी पड़े हुए हैं जो खाली है और काफी सुंदर है। ये है भूतिया घर नंबर कौन सा था पहला तो वो था ये नंबर 2 है। वहाँ किसी कंडे में लटका है। और ये हमारा हाइना जैसा दिखने वाला कुत्ता। चलते हैं भाई एक बार लेते हैं हॉरर वाली फीलिंग लेते हैं एक बार चल के इनके अंदर। एक बार 10 बार जा रखे अपन इसके अंदर एक बार वो चलते है ना। अब देख के चलियो कभी फिर से काटे चुबा ले। मेरे को थोड़ा वो लाने दो उसके अंदर मैं बैकग्राउंड म्यूजिक देती हूँ। देख ले मैं छोड़ के भाग जाऊंगी। रुक जाना यार। चल चल। भाई चमका दड़ गया था। ये रहा। ऐसे कोई डरने की बात नहीं है। सबसे खतरनाक जगह नहीं यार लगते तो डेंजर है यार। बिल्कुल वो आना बेल वाली पिला देते यार। हाँ। इनको वो सूखी हुई नदी भी तो दिखा दो। ये है वेरी गुड। ये है गोलगप्पे का पानी। पीना है तो बताइए फ्री में मिलता है। फॉर अ वेरी गुड व्यू वी केम अप हियर। लोगों ने कितना गंदा कर रखा है ना इधर से। ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड देन ब्यूटीफुल यू and then this beautiful ceiling. और ये हमारे गोलगप्पे के पानी की नदी गिलहरी। चलते चलते हम यहाँ आ गए हैं। चलते चलते मशरूम वाला घर सांप जैसे दिखने वाले पेड़ भारत केंद्र यात्रा। और इस जगह के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन तो हम बढ़ते हैं आगे। कूद जा। पहाड़ों पे आंटियां लोग काम कर रही हैं। आंटी लोग अपने लिए लकड़ी लेकर जा रही हैं। सही है भाई फ्री की लकड़ियां हैं और क्या अगले साल जलाएंगे। अब तो गई सर्दी। वो तो दिन के टाइम इनके अंदर सनलाइट जाती है तो इसलिए सही दिख रहे हैं वरना ये बहुत खतरनाक से लगते हैं। हाँ वाह यार क्या मस्त दिख रहा है। पानी स्पार्कल करता हुआ दिख रहा है। कितना तो सुंदर दिख रहा है। तो ये फार्म है हमारे 8th प्राइम मिनिस्टर थे जो चंद्रशेखर।
ये उन्हीं का फार्म है, इसका नाम मैंने पहले भी बताया था और अभी दिखाया भी था, भारत यात्रा केंद्र है। और ये जितने भी हॉन्टेड हाउस हम दिखा रहे हैं ये उन्हीं के वर्कर्स के हाउसेस है जहाँ पे वो रहते थे, उनके बसने का क्या सुरभि ठिकाना, बसेरा। बसेरा सम इंडियन आंटीज, ये हमारी इंडियन चिड़ियाएं, सम इंडियन पेड़, सम इंडियन रोड्स, सम इंडियन पत्तेज। ये बहुत ही छोटे पहाड़ है, अगर इस पे से गिर जाओगे तो चोट ही लगेगी। ओ भाई साहब, पत्थर देख रहे, सिर पे लगाना बंदा खोपड़ी ले जाएगी। हाँ, पहाड़ पे चढ़ने के भी तीन चार रास्ते हैं। देखा ये वाला जिससे लोग काफी ट्रैकिंग करते हैं ऊपर चढ़ के, अपन ज्यादा एडवेंचर लगता है, अपन लोग भी इससे ऊपर जाते हैं ज्यादातर। एक ही रास्ता है इधर से, आप सीढ़ी से चढ़ के जा सकते हो। यहाँ पे एक टेम्पल है और टेम्पल में बहुत सारे लोग आते रहते हैं तो यहाँ पे भीड़ लगी रहती है। और यहाँ पे खेलते थे हम लोग रैकेट अपने गर्मियों में, अपने खाली टाइम में। फिर कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने यहाँ पे कब्जा कर लिया और हमको रैकेट खेलने नहीं दिया। तो अब हम जा रहे हैं पहाड़ पे चढ़ने के लिए अपनी स्कूटी से, हम उस वाले रास्ते से जा रहे हैं जहाँ पे रोड बना हुआ है, क्योंकि चल चल के इतने दिनों के बाद हमारा सांस फूल गया था तो हमने डिसाइड किया कि पैदल चल के ऊपर नहीं जाने वाले, रोड से चलते हैं ताकि हम आराम से जा पाए। और हम आपको पहाड़ पे जाके एक बहुत ही मस्त मस्त व्यू दिखाएंगे यहाँ का, जो कि ऊपर से ही बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ये पेड़ मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसके ऊपर कितने सारे गुच्छे लगे हुए हैं फ्लावर के। तो जब हम आए थे तो हमने आपको दिखाया था यहाँ से रास्ता है जो कि ऊपर जाता है पहाड़ों में, यहाँ से रोड है और यहाँ से बहुत सारे ट्रक्स जाते हैं ताकि ऊपर पानी भर सके जानवरों के लिए। तो एक बार हम यहाँ पे आए थे, हमने अपनी स्कूटी तब भी यहीं पे ही खड़ी की थी और हमारी फ्रेंड भी हमारे साथ थी स्कूटी पे, और जब हम उल्टे यहाँ से आए तो उसकी स्कूटी ऐसे खड़ी थी, पर जब हम उल्टा आए तो वो घूमी हुई थी। इससे पहले हमारी स्कूटी भी चोरी हो, इससे पहले जल्दी से शूट करके आ जाते हैं यार। ये इंसान यही मरे रहते हैं, ये नहीं देखे। थोड़ी देर जगह को खाली छोड़ दे। और वो जो पहाड़ का रास्ता दिखाया था वो यहाँ से निकलता है, ये महिमा। अब स्कूटी जाएगी मक्खन मलाई की तरह, इनके ऊपर भारी स्कूटी में चढ़ा दियो। तो अब हम जा रहे हैं वापस। बीच रास्ते में जब हम ऊपर पहाड़ पे जा रहे थे तो कुछ हमारे फ्रेंड्स वहीं पे बैठे थे, हमें वो मिल गए, हमने उनके साथ गेम खेला। कौन सा वाला गेम खेला सुरभि? पट्टी पतंग तेरा रंग कौन सा। हाँ, और वो खेलते खेलते हमें अंधेरा हो गया और अब हम वापस घर जा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था और हमने खेलने के चक्कर में टाइम ही नहीं देखा और इस वजह से हम लेट हो गए। अपने घर हमेशा टाइम से जाना चाहिए। आई होप आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और चंद्रशेखर फार्म भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो जरूर हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम हमें आपके लिए कहाँ पे जाके व्लॉग बनाना चाहिए। और मेरे मुंह में बोल डाल। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।